नाउ कंसीडर एग्जांपल फोर, क्या यहां पर क्या है, अगेन एक डीएफए गिवन है, आपको ये बताना है कि क्या ये ऑप्टिमाइज्ड डीएफए है, अगर नहीं है तो इसको ऑप्टिमाइज्ड डीएफए में कन्वर्ट करना है, ओके। और एक क्वेश्चन इसमें और एक्स्ट्रा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ओके, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू जो माइहिल नेरो थ्योरम है उसके रेफरेंस में टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस आपको आंसर करनी है, ओके। तो कॉन्सेप्ट में ये सारा पढ़ा चुका हूं, बस देख लेते हैं इसको। तो इसमें जो टोटल स्टेट्स हैं क्या है, तीन ही है, Q0, Q1 और Q2, ओके। आप यहां से सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे, पाई जीरो मींस जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स। तो यहां देखें अगर फाइनल स्टेट्स Q1 और Q2 हैं, ओके, तो Q0 नॉन फाइनल स्टेट है और Q1 और Q2 ये तो फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स के बेसिस पर ग्रुपिंग कर दिया। तो इस ग्रुप का नाम दे दिया G1 और इस ग्रुप का नाम दे दिया G2। नाउ आई विल कंप्यूट Pi1, ओके। अब G1 में तो एक ही स्टेट है, तो इसमें इक्विवेलेंट चेक करने के लिए कम से कम दो स्टेट चाहिए, तो इसमें कुछ चेक करने की नीड नहीं है, G2 में चेक करेंगे, ओके। तो G2 में चेक करने के लिए Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ओके, ए और बी। Q1 पर A का ट्रांजिशन लेके Q2 में जा रहा है, ओके। Q2 किस ग्रुप में है, G2 में। Q1 पर B का ट्रांजिशन लेके Q1 में ही रह जा रहा है, Q1 किस में है, G2 में। Q2 में A का ट्रांजिशन लेके कहां जा रहा है, Q1 में। Q1 किस ग्रुप में है, G2 में, ओके। और यहां से Q2 में B का ट्रांजिशन लेके कहां जा रहा है, Q2 में। Q2 किस ग्रुप में है, G2 में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि G2 ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 एंड Q2 बोथ आर मींस फाइनल स्टेट्स। तो यहां से ये कंक्लूजन बन रहा है कि पुट देम इन द सेम ग्रुप, ओके। तो हमने क्या किया, ये Q0 और यहां से Q1 कॉमा Q2 एक ग्रुप में पुट कर दिया। अभी हम कुछ बोल नहीं रहे कि कौन सी स्टेट इक्वल है, कौन सी स्टेट इक्वल नहीं है। इससे सिर्फ ये काम करने से सिर्फ एक बात का कंक्लूजन निकलेगा कि व्हाट आर दोज स्टेट्स हुम वी कैन पुट इन द सेम ग्रुप, ओके, बेस्ड ऑन दिस टपल इंफॉर्मेशन, ओके। यहां से हमने क्या कर दिया, कहा Q1 Q2 को एक ग्रुप में रखो, तो ये G1 है और ये G2 है। अब यहां से आप देखो कि Pi0 इक्वल टू क्या है, Pi1 है, एंड देयरफॉर स्टॉप। मैंने क्या बोला, जब भी दो साइड बाय साइड के Pi i + 1 जब भी क्या हो, सेम हो जाए, जैसे देखो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, कहता स्टॉप। और यहां से अब स्टॉप होने के बाद अब इससे इसका अगर यूज करके बोले तो बोल देंगे कि Q1 इक्वल टू Q2, ओके। जब ये Pi i और Pi i + 1 सेम हो जाए तब आप बोल सकते हो कि कौन सी स्टेट्स हैं जो जनरल पूरे कंप्लीट DFA में फॉर एनी लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग सेम ही रहेंगे, इक्वलेंट स्टेट से। तो Q1 इक्वल टू Q2। नाउ आई मीन्स रिमूव द स्टेट Q2, इसको मैं एलिमिनेट करूंगा, कैसे, जो Q2 के ट्रांजिशन है वो सारे Q1 को दे दूंगा, कैसे देख लेते हैं। मैंने Q2 को बोला Q1 है, ओके, क्योंकि Q1 को रख रहा हूं, Q2 को डिलीट कर रहा हूं, तो Q2 को बोल दिया Q1 है। अब Q1 इस Q2 स्टेट पर जितने ट्रांजिशन इनकमिंग है और आउटगोइंग है सबको देखना पड़ेगा, पहले आउटगोइंग को देख लेते हैं। तो Q2 पर एक ही ट्रांजिशन पर Q1 में जा रहा है, तो Q2 को हमें आपने क्या बोला है, Q1, इसका मतलब Q2 का ए ट्रांजिशन पर Q1 में जा रहा है, मतलब Q1 से Q1, ओके, ए के ट्रांजिशन पर। तो मैं क्या कर देता हूं, ये लूप तो लगा ही था, इसी के बगल में ए लिख देता हूं, तो इसका मतलब मैंने इसको हैंडल कर दिया। अब Q2 पे जो और मीन्स एक ही एज थी, अब दो इनकमिंग एजेज हैं, Q2 को मैं Q1 बोल रहा हूं, Q1 पे B के ट्रांजिशन पे Q1 में ही है। तो आप देखो
इसको Q1 बोल दूं तो Q1 में B के ट्रांजिशन पे Q1 ही है, B ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हैंडल हो गया। नाउ जो A का ट्रांजिशन पे ये Q1 पे आ रहा वो देख लो, Q1 में A के ट्रांजिशन पे Q1 पे, Q2 पे है लेकिन Q2 का Q1 बोल रहे हैं, इसका मतलब A का लूप है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है इसके वाले से। इसका मतलब है जो Q2 पे जितने ट्रांजिशन थे आपने सब वो अप्लाई कर दिए। नाउ रिमूव द स्टेट Q2, जैसे ही Q2 स्टेट रिमूव करेंगे वो एजेस भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया MDFA। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ गिवन DFA इज टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, मतलब जो MDFA में जितनी स्टेट्स हैं उतने ही जितने स्टेट्स हैं उतने ही क्या होंगे, उतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। ओके, तो यहां पर दो स्टेट्स हैं, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस 2, एंड दैट्स डन।